घर पे खाना। ये देखिए सलाइन से यहाँ का लोकल टाइम 25 मिनट हुआ है। वेलकम बैक गाइस। तो हाँ, हम फिर से आ गए हैं एक बार फिर से। तो निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। एरा तो निकलते हैं फिर एयरपोर्ट के लिए। तो अभी रास्ते में कुछ बातें होती हैं तो चलते हैं फिर। बाय बाय करते हैं सबको। ओके भाई, हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे आने के बाद घंटा क्या बोलती पब्लिक। तो यहाँ से अभी एंट्री कराना है और फिर एंट्री करा के वेट करना है, क्योंकि 4-5 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा। 11:01 पे है। तो ये रहा एयरपोर्ट। यहाँ पे नया भी कुछ बन रहा है। यहाँ पे कोई जहाँ से फ्लाइट आई भी है तो इसी मारे यहाँ पे यात्री आए हुए हैं। तो यात्री कृपया ध्यान दें, नए यात्री आए हैं और पुराने यात्री जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं फिर, हम लोग एंट्री कराते हैं फिर कुछ बात करते हैं। तो हाँ भाई, बोर्डिंग पास हो चुका है। अब आराम से बैठे हैं, क्योंकि अभी टाइम बचा है 8:10। तो 8:10 पे तो अभी निकलना नहीं है, फ्लाइट उड़ेगी 11:35 पे। तो अभी बोर्डिंग पास हो गया है मेरा, क्योंकि मैं पहले आ गया था। तो पहले ही हो गया तो इसी मारे आराम से बैठा हुआ ना। वहाँ पे लाइन इतनी ज़्यादा लगी है ना, मुझे भी और कहते थे लाइन लगना पड़ती है तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा अपना आए, अपना पहले से बोर्डिंग पास करा के बैठ सकते, कोई मसला नहीं होता। तो देख सकते एयरपोर्ट के अंदर का सीन,
यार वो बोर्डिंग पास वहाँ पे हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा बोर्डिंग पास में भीड़ भीड़ लगी है, तो इसी मारे में आराम से इधर ये अपना बोर्डिंग पास बैग वैग लेके आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी बहुत टाइम लगता होता वाल, वो जो भीड़ लगी ना वो बोर्डिंग पास ही की भीड़ है, वहाँ पे बोर्डिंग पास हो रहा है। अभी इधर से अपन लोगों को जाना है, फिर उधर एंट्री करना है। फ्लाइट तो अभी आपको देखने को मिलेगी थोड़ी ही देर में, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो अब यहाँ से भी एंट्री हो चुकी है, और एंट्री होने के बाद यहाँ पे अपन लोग आराम करते हैं। आराम करने के बाद यहाँ पे उधर फ्लाइट भी आई है, अभी मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगा। इंडिगो आई है, वो लैंड हुई है, उससे पैसेंजर उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन लैंड हो चुका है, और लैंड होने के बाद उसमें से सब उतर रहे हैं इंडिगो। हाय हाय मुझे 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 सो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं बस में, तो बस है स्टार्ट, तो अभी थोड़ी देर में निकलते ही हैं। तो आप देख सकते हो अभी बस भर रही है, ये बस में बैठ के बाहर का सीन है। ये प्लेन भी देख सकते हैं आप, इंडिगो कंपनी का प्लेन भी खड़ा है। मचेगा मचेगा पब्लिक, मचाएंगे। तो बस चल चुकी है, चलते हैं बस के साथ, देखते हैं बस कहाँ ले जा रही है। बल्कि जा चुकी है पहले ही से, और उसके बाद से ये जा रही है, ये ले किधर जा रहे हैं आई डोंट नो। मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो आ गए हैं हम सऊदी एयरलाइंस, तो आप देख सकते हैं सऊदी एयरलाइंस को, काफ़ी बड़ी फ्लाइट है ये, छोटी मोटी नहीं काफ़ी बड़ी फ्लाइट है। यार कितने पैसेंजर इसमें आएंगे, मैं तो सोच रहा था छोटी फ्लाइट होगी, बट तो ये काफी बड़ी है। ये देखो पीछे, देखो पीछे मुर्गी, क्या सीन है यार यहाँ का। यार यहाँ पे अगर मैच खेलने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा यार, मजे ही मजे हैं फिर तो। तो चलते हैं अंदर वाल, तो हम चल रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ना। ये बाहर का सीन है, यार बहुत जांच शेकिंग मेकिंग हर चीजें बहुत हो रही है। तो हम बैठ चुके हैं प्लेन में, तो ये प्लेन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, उम्मीद से ही ज़्यादा बड़ा यार। यहाँ पे इतने लोग बैठे ना कि कोई याद नहीं। ये बाहर का सीन तो देख ही सकते हैं अपना, मजे हैं मजे। सो ये है सीन बाहर का, आप देख सकते हैं यहाँ का सीन क्या है भाई। मुझे अपने पास दो दो खिड़की हैं, एक नहीं दो दो बोलने जा रहे हैं। तो प्लेन मूव होने लगा, मूव हुआ तो फिर तो बढ़िया बात है ना।
The use of mobile phones is prohibited when the sign is on. If you wish to use any other electronic devices, please inform one of the cabin crew. Your seat belt shall be fastened now. To fasten the belt, insert the metal tab into the buckle. To release, lift the metal flap and detach the two ends. Smoking is strictly prohibited on all Saudi Air flights. All lavatories are fitted with a smoke detector. Please do not tamper with it. In case of cabin decompression, oxygen masks will drop in front of you. Take the nearest mask, remove your face mask, and immediately pull it down and secure it over your nose and mouth. Put your mask on before helping others. There are emergency exits on either side of the aircraft. In case of emergency evacuation, the aisles will be illuminated with guiding lights leading to the exits. At that time, remove your shoes, leave all your hand baggage behind, reach your nearest exit and jump on the slide. For more information, please read the safety card in the seat pocket in front of you. In preparation for takeoff, please make sure that your seat belts are fastened, seat bags and accessories are in their original positions, and window shades are open. Thank you for your attention and wish you a pleasant flight. तो फ्लाइट हवा में उड़ने वाली है कुछ ही मिनटों में, देखते हैं कि पर सीधे रहते हैं ये टेढ़े। अभी तो थोड़े थोड़े टेढ़े दिख रहे हैं। यहाँ पे खत्म होता है ट्रैक 27। अब यू टर्न होगा यहाँ से, ये है पूरा रनवे, तो देख सकते हैं आप रन में। प्लेन ग्राउंड होके खड़ा हो गया रनवे पे।
35 तो लैंड होते हैं तो फिर खाता हूँ हमारे पास। तो काफी नीचे आ चुके हैं, बस उतरने की देरी है, किसी भी टाइम उतर सकता है। तो जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सिटी में पहुंच गए हैं हम लोग, इस सिटी भी आ गई। अब एयरपोर्ट किधर है वो तो नहीं दिख रहा, ले फिर आ गया सबराज कशी। तेरे को कहा लगता था नहीं है, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, समझे कि नहीं। यह टर्निंग, वाह भाई वाह, क्या सीन है यार। ये मोड़ते हुए मोड़ो, अरे पेट लग रहा खाली हो जाएगा आज जब ये नीचे जा रहा सकते हैं। प्लेन कितना बड़ा है और कितने पैसेंजर भरे पड़े यार, वो आगे भी उस सब पैसेंजर पूरे भरे पड़े, काफी बड़ा प्लेन है ये तो। देख सकते हैं यहाँ का माल, क्या माल है भाई, मुझे मुझे मजे हैं मजे। क्या सीन दिख रहा है यार, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते रहे सीन कैसा लग रहा है। ऊपर जा रहा है क्या, टर्न नहीं ले रहा, अब उधर को मुड़ेगा। तो फिर रोडों की तो बात ही अलग है यार, आके देख रहे हो रोड
ये चलता ही चला गया, डोली हमारे दिख भी नहीं पा रहा। गाना क्यों नहीं ये रही रोड, गाड़ी तो मिट्टी तीसरी रही है। ज़ूमिंग करो, मिलता हुआ होता कैमरा। ज़ूमिंग नहीं करो ना, मैं ये दिखाता हूँ। दावे दावे का धूप मेरे मुंह पे आ गई। तो भाई धूप जी गाय परेशान करो, तो बहुत ही करीब है उतरने के। हम सामने समुद्र शाम जी सामने शाम धूप होने की वजह से सही थी कि नहीं रहा मुझे तो, लेकिन आ तो रहा है सिर्फ ही नहीं। धबे धबे काशी ये देखो रोड देख लो, फिर न कहना हमको तुम्हें बताएं। यार देख रहे यहाँ पे कितने दूर दूर पे घर बने हुए हैं, अपने इंडिया में इतने पास पास, मतलब यहाँ पे जमा जगह ही जगह है, वहाँ पे जगह ही नहीं। घर देखो देख रहे हैं और बनी रहे हैं, देखो काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग विल्डिंग बन रही होगी यहाँ पे, इसी का काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये यहाँ पे भी चल रहा है, ये सब समंदर के पास ही है, समंदर वो है शाम। एयरपोर्ट आए कि नहीं आए, एयरपोर्ट ही नहीं आ रहा। वाटर पार्क का क्या है, ये क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। यार रोडे देखो यार, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडे रहती हैं और इतना बड़ा चौरा यहाँ, इसमें एक गाँव बच जाए अपना।
कहाँ पे एयरपोर्ट? आप लोग बताएं कहाँ पे एयरपोर्ट? समंदर पे जाते हैं कि नहीं हम लोग? ये आ गया समंदर साहब जी, समंदर। शिप विप चलते हुए सब बेहतरीन। मचे माँ मचे माँ। प्लेन लैंड होते हुए प्लेन के पर देखिए कैसे हो रहा है। या या यहाँ की रोड है साथ साथ यहाँ पे पासिंग एरिया तफ्तीश लगी है। ये आ गया है हम लोग एयरपोर्ट के पास लैंड करने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं। लैंड हो रहा है, लैंड हो रहा है। होने वाला है, हो गया कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अब ये लड़ा टहर, ये लड़ा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वो देखो दूसरा सऊदी एयरलाइंस खड़ा है। यहाँ के तो भी बहुत जहाज दिखेंगे, बड़े बड़े होंगे इतने जहाज। कैसे दिखाते हैं जहाज? वो देखो सब लाइन से जहाज खड़े हैं यहाँ पे। ضيوف الأعزاء مرحبا بكم في مطار ملكة العزة الدولي بمدينة جدة. حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 3:24 ودرجة الحرارة 50 المتوقعة 35 درجة مئوية. ضيوفنا الأعزاء المرجع يبقى حسم مقاعدكم مربوطة حتى تطفئ إشارة ربط حزمة المقاعد. نيابة عن السعودية وسكاي تيم وحلفائنا حول العالم. أشكركم لمشاركتكم رحلتنا معا. और तो कोई दिखी नहीं रही है। कार क्या समझ लीजिए पहुँचा देती है, बस पहुँचा देती, वही बहुत करती है। और अभी आप इससे आए, इससे तो पता ही चल गया इसकी सर्विस और उसकी सर्विस में कितना अंतर है। पैसा भी तो वैसे ही है। हाँ पैसे है, अच्छी चीज के लिए कुछ तो पैसा बहुत है। अच्छा भाई वही है, 4 घंटे 5 घंटे अपने घर पे खाना खाओ। ये देखिए सब लाइन से।
यहाँ का लोकल टाइम 25 मिनट हुआ है और बाहर का तापमान 35 डिग्री है। 35 डिग्री तापमान से निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें जब तक कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत बंद नहीं किया जाता। सऊदीया से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो गए, शुभ हो गए, सऊदी आ गए, शुभ हो गए, और क्या चाहिए। देखो इस एयरपोर्ट और लखनऊ के एयरपोर्ट में कितना डिफरेंस है। जो गुंजू से एकदम छोटा सा बाहर तो चेक कर रहे हैं, अंदर से बाहर तक तो 25 बार चेक कर ही हो जाए। कौन? पुलिस वाले हाथ उठा उठा के बोलने की तमीज भी नहीं है। तमीज होती तो फिर वो क्या कहें, छोड़िए भगाइए साले। इमिग्रेशन में चाय बैठे हो चाहे जिसमें बैठे हो बोलने की तमीज नहीं है। सामने देखो फ्लैट लग गई है अपनी जगह पे, धीरे धीरे अपनी जगह पे जा रही है। हमारे भी जाने का टाइम आ रहा है। तो हाँ निकल आए हम, चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। यार थक तो मैं बहुत गया हूँ पहले ही से, लेकिन चलते हैं देखते हैं। लगता है हैंड भी है मजी। तो और सब बताएं आपको पहला वाला एपिसोड देख के कैसे लगा, और वीडियो लाने के लिए आप ऐसे ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, और जो हमारे नए चैनल पर नए हैं वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो स्टार्टिंग होगी ना तो वो सबसे पहले अपलोडिंग आपको होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके तो अपन इस पे खड़े हो जाते हैं, चलने का सीन है कि नहीं। यार ये देखो, एक ये एयरपोर्ट है, एक अपना एयरपोर्ट है। अपने एयरपोर्ट को कहते हुए भी शर्म आती है यार कि वो एयरपोर्ट है। क्या बोलती पब्लिक, झूम रहा हूँ मैं तो, थक गया बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा थक गया हूँ तो झूमने लगा। अरे सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अकेले ही नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यार फ्लाइट में तकरीबन 1000 के आसपास लोग थे फ्लाइट में, क्योंकि बहुत बड़ी फ्लाइट थी। और चलते हैं आगे, देखते हैं प्रोसेसर यहाँ का क्या है, वो भी कंप्लीट करते फिर निकलते घर को। यार सोना है, मैं अभी तक के सोया नहीं हूँ, परेशान हो गया यार चल चल के। यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये मालूम एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने जो है मतलब जैसे मेट्रो चलती है वैसे यहाँ पे भी दे दिया इन्होंने सिस्टम। ये तो कोई इधर गाड़ी आ गई है तो सब बैठने जा रहे हैं। सो आ गए, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे। बहुत पब्लिक है, चलाओ।
चलते हैं फिर आगे का प्रोसेसर करते हैं, फिर उसके बाद जो है शानू भाई को कॉल करता हूँ, शानू भाई को बुलाता हूँ, फिर रूम पे निकलता हूँ। ओके, तब तक के बाय बाय। तो लगेज वगैज अपना सब उठा लिए, सब हो गया, बस अब क्या फ़ोन करना है शानू भाई को, फिर निकलते हैं। ठीक है, फिर आगे जो होता है तो बताते हैं। थक गया मैं बहुत देर से। सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद शानू भाई तो आ रहे हैं लेने के लिए, तो अभी आ ही रहे होंगे, तो जब तक इंतज़ार कर लेते हैं। और यहाँ का आप एयरपोर्ट देख लिए भाई, क्या एयरपोर्ट बनाते हैं, मज़े यार। एक वो है, ये है यहाँ का एयरपोर्ट नया वाला, ये उसी के सामने भी इन्होंने कुछ बनाया है। तो देख सकते हैं आप, यह है सऊदी अरेबिया का नया एयरपोर्ट। तो चलते हैं फिर हम आगे, शानू भाई का वेट कर रहे हैं, शानू भाई आ ही रहे होंगे बस। तो वीडियो अभी इतनी स्टार्ट होती है, फिर बाद में। ओके, सो प्लेन आके रुक गया, तो हम लोग उतरने वाले हैं, तो हम लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में निकलता हूँ। ओके, बाय बाय, जब तक अल्लाह हाफिज़, सलाम।